दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में एंड आज के साइंस के लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं किंगडम मोनेरा, जिसमें बेसिकली हमारे क्या आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो हम किंगडम मोनेरा जो है वो हम डिस्कस करेंगे, इसमें क्या आते हैं, हम मेनली क्या आता है, बैक्टीरिया आता है। हम बाकी सभी किंगडम्स, पांच किंगडम्स में से मतलब हम सभी किंगडम्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। प्रोटिस्टा, देन प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई, चारों को डिस्कस कर चुके हैं। एंड लास्ट किंगडम, किंगडम मोनेरा जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहला तो किंगडम मोनेरा का ओवरव्यू देखते हैं। सबसे पहला क्या है, यही कि इट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल एंड वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें क्या है, बहुत ज्यादा स्मॉल एंड वन सेल्ड यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंड ये कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स हमारे वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, वेरी डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है, उन्हें हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। और इसमें स्पीशीज आते हैं हमारी जैसे बैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा, और ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बैक्टीरियाज आप जहाँ बैठे हैं, ठीक है, आपके आसपास अनगिनत जो बैक्टीरियाज जो है वो इस वक्त प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं विद नो स्पेसिफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका कोई स्पेसिफिक मोड नहीं होता न्यूट्रिशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्या, ये एनारोबिक, एरोबिक भी होते हैं, एनारोबिक भी होते हैं। एरोबिक और एनारोबिक से यहाँ मतलब है, एरोबिक वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्या चाहिए होता है, विच रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, जिनको क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है, और एनारोबिक वो होते हैं जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ठीक है, डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, ठीक है, इनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और इनके क्या होते हैं, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और ये जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकन की है वो बनी होती है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है, सो उनकी सेल वॉल बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन के साथ, ठीक है। लास्ट क्या है कि इनके पास क्या होता है, दे हैव नेक डीएनए विद द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ठीक है, सो इनमें नेकेड डीएनए तो वही प्रोकैरियोट्स होता है, सो इनका डीएनए क्या होता है, एकदम नेक्ड होते हैं क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, सो इनका डीएनए नेक्ड होता है, नेकेड होता है, एंड साथ में इनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज जो होती है वो एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन इसमें किसके किसके थ्रू होती है, बाइनरी फिशन के थ्रू जो है उसमें रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है। सो ये किंगडम मोनेरा, ठीक है। अब इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, सो इसमें चार कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया, माइक्रोप्लाज्मा। आर्की बैक्टीरिया जो होता है फर्दर जो है ये तीन काइंड में डिवाइडेड होता है, जैसे हेलोफाइल्स, थर्मोसीडोफाइल्स एंड मेथानोजेंस। यू बैक्टीरिया जो होता है इसे हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, एंड ये दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इनको अभी हम जो है थोड़ा डिटेल में जो है वो समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा आर्की बैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया जो होता है ये सबसे ज्यादा, ये द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया फाउंड इन द मोस्ट एक्सट्रीम हैबिटेट्स सच एज सॉल्टी एरिया, हॉट स्प्रिंग्स एंड मार्शी एरियाज। तो जो आर्की बैक्टीरिया होता है वो क्या है, एंशियंट बैक्टीरिया, इट इज द मोस्ट एंशियंट बैक्टीरिया, ठीक है, ये सबसे ज्यादा एंशियंट बैक्टीरिया जो है वो होता है हमारा आर्की बैक्टीरिया, और ये बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल कंडीशन, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में जो है, एक्सट्रीम हैबिटेट्स में जो है ये रहता है, ठीक है, जैसे कि सॉल्टी एरियाज में जो रहते हैं उनको हेलोफाइल्स, देन हॉट स्प्रिंग्स में जो पाए जाते हैं वो थर्मोसीडोफाइल्स, एंड मार्शी एरियाज में जो रहते हैं वो मिथानोजेंस, ठीक है। अभी हमने डिस्कस की कि आर्की बैक्टीरिया तीन तरह का होता है, हेलोफाइल्स, थर्मोसीडोफाइल्स एंड मिथानोजेंस। तो जो सॉल्टी एरिया में होते हैं उन्हें हम हेलोफाइल्स बोलते हैं, जो हॉट स्प्रिंग्स में होते हैं उन्हें हम थर्मोसीडोफाइल्स बोलते हैं, जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं आर्की बैक्टीरिया उसे हम मिथानोजेंस वो बोलते हैं। सो ये क्वेश्चन भी बहुत बार कॉमनली पूछा जाता है कि एंशियंट बैक्टीरिया कौन सा है, ठीक है, एंड वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। सो आर्की बैक्टीरिया ही जो है वो सबसे ज्यादा एंशियंट बैक्टीरिया, और सबसे ज्यादा एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में जो है ये पाया जाता है। दूसरा कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है, सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है फ्रॉम दैट ऑफ अदर बैक्टीरिया। अब इतने एक्सट्रीम कंडीशंस में इनको सर्वाइव करने के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्प करती है वो है इनकी सेल वॉल, और इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो कि डिफरेंट होता है वही जो है ये चीज को जो है वो इनकी सेल वॉल का स्ट्रक्चर ही जो है वो इनको हेल्प करता है इतनी ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस में रहने में, ठीक है। जैसे बाकी उनकी सेल वॉल में क्या, पेप्टिडोग्लाइकन प्रेजेंट होता है, ठीक है, सो इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा
से डिफरेंट होता है बाकी बैक्टीरिया की सेल वॉल के साथ, ठीक है, जो इन्हें हेल्प करता है एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव करने में. नेक्स्ट, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है. ऑटोट्रॉफिक मीन्स ये अपना खाना जो है वो खुद बनाते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे या किसी दूसरी चीज पे जो है वो डिपेंडिंग नहीं होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है. सो ये थे हमारा आर्की बैक्टीरिया. सो आर्की बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है याद रखने को, कि एक तो सबसे ज्यादा एंशियंट बैक्टीरिया है और ये एक्सट्रीम कंडीशन में पाए जाते हैं. सॉल्टी एरियाज में जो होते हैं वो हेलोफाइल्स बोलते हैं, हॉट स्प्रिंग्स में जो पाए जाते हैं वो थर्मोसिडोफाइल्स होते हैं, और जो मार्शी एरियाज में पाए जाते हैं उन्हें मिथानोजेंस बोलते हैं. इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी बैक्टीरिया से, जो अल्टीमेटली हेल्प करता है जो है एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. नेक्स्ट क्या है, इनका जो न्यूट्रिशन का मोड है वो क्या होता है, ऑटो ट्रॉफिक मोड होता है. अब नेक्स्ट हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की. अब यू बैक्टीरिया जो होता है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है. यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया भी बोला जाता है. दूसरा, इनकी जो सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है और किससे बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है. सो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल क्या होती है, रिजिड होती है, किससे बनी होती है, पेप्टिडो ग्लाइकन से बनी होती है. एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, सो इट इज मेड अप ऑफ पेप्टिडो ग्लाइकन, ठीक है. नेक्स्ट, ये किससे की हेल्प से मूव करते हैं, इट मूव्स विद द हेल्प ऑफ फ्लैजेला, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि a few bacteria contain short appendages on the cell surface known as villi which help the bacteria during sexual reproduction. अब जो बैक्टीरिया होती है उसमें छोटे छोटे अपेंडिक्स, छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पिलाए या पिली, ठीक है. और ये किसमें हेल्प करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है. और पिली ऑल्सो हेल्प्स अ पैथोजन टू अटैच द होस्ट, और ये पैथोजन को भी हेल्प करता है होस्ट के साथ जो है वो अटैच करने में, क्योंकि हमें पता है जो हमारा बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी मेनी डिजीज, ठीक है. काफी ज्यादा डिजीजे जो बैक्टीरिया कॉज करता है, तो जब भी बैक्टीरिया जो है वो होस्ट के साथ जो है वो उसने अटैच होना होता है तो पिलिया जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी उसमें क्या करता है, हेल्प करता है. सो कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है पिलाए, एक तो उसके दो रोल है, एक कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, दूसरा कि वो जब जो है वो होस्ट के साथ जो है वो अटैच करने में जो है वो हेल्प करता है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि दे आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, ठीक है. सो जो यू बैक्टीरिया है वो दो तरफ होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है एंड ग्राम नेगेटिव. अब जो ये डिपेंड करता है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में बेसिक डिफरेंस आता है उनकी सेल वॉल में और कौन सा स्टेज हुआ जो वो लेते हैं. जब भी हम लैब में बैक्टीरिया आपको क्या करते हैं, जब भी लैब में हम बैक्टीरिया के साथ काम करते हैं तो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ता है वो ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है, ठीक है. सो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसकी स्टेनिंग करते हैं, फिर वो कौन सा स्टेन जो है वो लेता है उसके उस पर डिपेंड करता है कि वो ग्राम नेगेटिव है या ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या क्या आ जाते हैं, राइजोबियम एंड क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो दो रूम बैक्टीरियाज हैं, ठीक है. इसके एग्जांपल और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, बट ऐसे अगर आपने एग्जांपल याद रखें तो राइजोबियम एंड क्लॉस्ट्रिडियम जो है वो दोनों यू बैक्टीरिया है. सो यू बैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपने याद रखने, पहला कि ये ट्रू बैक्टीरिया है, इनकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन के से बनी होती है, इनमें ये मूव किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लैजेला की हेल्प से. इनमें कुछ बैक्टीरिया में शॉर्ट अपेंडिजेस प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम पिलाए बोलते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और पैथोजन के साथ होस्ट के साथ जो है वो अटैच करने में हेल्प करते हैं. दो ये दो तरह के होते हैं, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव, और इनके एग्जाम्पल क्या क्या आ जाते हैं, राइजोबियम एंड क्लॉस्ट्रिडियम. सो दिस इज ऑल अबाउट यू बैक्टीरिया. अब हम बात करते हैं साइनो बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है. अब साइनो बैक्टीरिया जो थे इसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है. अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये तो बैक्टीरिया है, एल्गी कहाँ से आ गई, बट हाँ, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि विच बैक्टीरिया इज ऑल्सो नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. सो दिस इज साइनो बैक्टीरिया. साइनो बैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, ठीक है. सो दीज बैक्टीरिया आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, और ये बैक्टीरिया क्या होता है, फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, ठीक है. मीन्स ये क्या करते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है. इनमें क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए होता है, क्लोरोफिल चाहिए होती है, ठीक है. सो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल, देन कैरोटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिंस, ये तीनों जो है वो इसमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो इसीलिए ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, ये जो है फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि दे आर फाउंड इन एक्वेटिक रीजन, इनको हम बेसिकली ये कहाँ पे मिलते हैं, हमें एक्वेटिक रीजन में जो है ये पाए जाते हैं.
Some of these even picks atmospheric nitrogen. So again, this is very, very important. कि जो cyanobacteria है वो nitrogen fixation में help करता है. ठीक है. जो ये भी बहुत question पूछा जाता है कि which bacteria help in nitrogen fixation. So it is cyanobacteria. It also helps in nitrogen fixation. इसके examples आ जाते हैं हमारे nostoc, anabena, spirulina. ठीक है. ये तीनों के तीनों क्या है हमारे cyanobacteria है. ठीक है. तो साइनोबैक्टीरिया के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. एक ये ब्लूबीन एल्गी होती है, दूसरा फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है. इसमें क्या फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है तो इसमें इसमें क्या क्या होता है, क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तीसरा आपने याद रखना है कि ये क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्प करते हैं. इसके एग्जाम्पल्स आ जाते हैं नॉस्टॉक, एनाबेना एंड स्पाइरुलिना. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम मोनेरा. ठीक है. सो किंगडम मोनेरा में हमने डिस्कस किया ये आर्किबैक्टीरिया के बारे में, फिर हमने डिस्कस किया आर्किबैक्टीरिया के बाद हमने डिस्कस किया यू बैक्टीरिया के बारे में, एंड यू बैक्टीरिया के बाद हमने डिस्कस किया साइनो बैक्टीरिया के बारे में. सो आई होप आपको पूरा का पूरा लेक्चर जो है वो क्लियर हो गया होगा. ठीक है. सो ये इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर थे जो हमने सभी के जो है फिर आज डिस्कस किए, और इसी के साथ हमने जो है वो अपना पूरे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्कस कर लिया. हमने किंगडम प्रोटिस्ट, किंगडम मोनेरा, देन किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया, पांचों किंगडम्स जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं. ठीक है. तो अब हम जल्दी नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे. तो जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय.